में प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहे हैं और इस बार शायद कोई नॉन गांधी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन सकता है। दो मेन दावेदार हैं, पहले तो हैं अशोक गहलोत जो अभी इस समय चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, और अगर ये जीतते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है कांग्रेस के लिए क्योंकि ये एक पपेट कैंडिडेट ही है गांधी इसके। और दूसरी तरफ है शशि थरूर जो की फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है एंड जो की एक रिफॉर्मिस्ट की तरह देखे जाते हैं। यही है जो शायद पार्टी का रूप बदल सकते हैं और उनकी इमेज भी बदल सकते हैं पार्टी के लिए, और ये काफी बेनिफिट कर सकते हैं और कांग्रेस को पूरी तरह बदलने की भी काबिलियत रखते हैं। आखिर प्रेसिडेंट इलेक्शन में राहुल गांधी कहां हैं? वो इस समय अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी है और शायद कहीं ना कहीं एक हिडन एजेंडा भी हो सकता है कांग्रेस का। इस समय कांग्रेस की इमेज बहुत ही डिक्लाइन कर चुकी है और वो ढंग से अपोजिशन का रोल भी प्ले नहीं कर पा रही, एंड इसको सुधारना काफी जरूरी है 2024 तक, नहीं तो बीजेपी ही मेन लीडिंग पार्टी रह जाएगी और कांग्रेस एज अ पार्टी को अपनी इमेज बहुत ज्यादा सुधारनी पड़ेगी और साथ ही साथ राहुल गांधी को भी अपनी इमेज सुधारनी पड़ेगी और अपनी काबिलियत प्रूव करनी होगी, तभी जाके हमें कोई स्ट्रॉन्ग चॉइस मिल पाएगी बीजेपी के अलावा भी। जिस तरीके से 2014 से डिक्लाइन देखा जा रहा है कांग्रेस के लिए, ये स्टेप शायद काफी इंपॉर्टेंट है। अगर शशि थरूर आते हैं तो काफी सही रहेगा कांग्रेस के लिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।